क्या किसी फीमेल के योनि के पानी पीने से खतरनाक बीमारी हो सकता है? हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सरहाना चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर सरहाना। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं किसी फीमेल का योनि का पानी पीना सही या गलत। फ्रेंड्स, जो लोग ओरल सेक्स लवर है वो लोग मुझे बार बार कमेंट कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं और मेल भी भेज रहे हैं। जब वो अपने पत्नी का योनि चाटते हैं तो जो पानी आता है, जो फ्लूइड आता है, वो पानी पीना सही है या गलत, इसके बारे में बताने के लिए तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को सही जानकारी दिया जाए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका सवाल का जवाब मिलने जा रहा है। आप इस वीडियो को पूरा देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उन लोगों को भी सही जानकारी मिल सके। फ्रेंड्स, जब आप अपने वाइफ के जो वजाइना होते हैं, जो योनि होते हैं, इसको आप लीक करोगे, स्टिमुलेट करोगे, अपने टांग प्ले करोगे, उनको प्लेजर फील होगा ही, बिकॉज वजाइना में जो क्लिट होता है ना, उसमें 8000 नर्व्स रहता है, जिसके वजह से एक फीमेल को बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है, प्लेजर फील होता है। फीमेल को सेंसिटिविटी फील होगी ही और उनका फ्लूइड निकलेगा वजाइना से, और फ्लूइड निकलने के टाइम तो वो बोलेगा नहीं आपको कि भाई आप अपना मुंह को हटा दो, मुझे बाहर निकलना है, ऐसा तो थोड़ी ना बोलेगा वो। वो तो अपने आप बाहर आ जाएगी और आपके मुंह के अंदर घुस जाती है, आपके पेट में चली जाती है ना। आप इससे बच नहीं सकते क्योंकि वो आपको बोल के नहीं आएगा, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब बात यह है कि अगर आपने उसका पानी पी लिया, योनि का पानी जो है उसको पी लिया, तो क्या इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? फ्रेंड्स, फ़ायदा तो नहीं होगा आपको इससे कोई भी, बट नुकसान ज़रूर होगा। आप अपने वाइफ का योनि का पानी पी रहे हो और अगर आपकी वाइफ को कोई भी बीमारी है, हेल्थ इश्यूज़ है, कोई भी बीमारी हो, और आप अगर उस टाइम में ऐसा कर रहे हैं, योनि का पानी पी रहे हैं, तो इससे आपको नुकसान होगी, इससे आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी हो सकता है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, इससे आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगी। जैसे कि आपने पैर का जूता अपने सर पे पहन लिया तो कैसा होगा? फ्रेंड्स, जिसका जो जगह है ना, उसको वहाँ ही जाना चाहिए, आपका मुंह योनि में नहीं जाना चाहिए, वो पानी पीने के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपका मुंह अच्छा खाना खाने के लिए है, ना कि वो वेजाइना को लीक करने के लिए। तो सेम इसी तरह से वेजाइना बनी है पेनिस के लिए, वेजाइना मुंह के लिए नहीं बनी है, और वेजाइना के जो पानी है ना, वो भी आपके मुंह के लिए नहीं बनी है, वो बाहर निकलने के लिए बनी है। फ्रेंड्स, हम इंसान हैं, हम जानवर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं अपनी वाइफ के साथ, या फिर अपने वाइफ आपके साथ जानवर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। क्या गलत है और क्या सही है हम फील कर पाते हैं, हम समझ पाते हैं। दो दिन पहले तो मुझे पूछा गया है, मेरे गर्लफ्रेंड ने ऐसा ऐसा पी लिया है तो अभी उसको कोई प्रॉब्लम होगा क्या? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, अगर ऐसा आप करते हैं, फ्रेंड्स, स्पर्म पीने से क्या होगा कि आपका जो अंदर तो चला जाएगा, उससे आपको प्रेगनेंसी नहीं होगा, आप प्रेग्नेंट नहीं होंगे, बट आपको नुकसान पहुँचेगी, आपका जो स्टोमक है, स्टोमक का जो वॉल है उसको डैमेज कर देगी, और उसको डैमेज करने से आपका स्टोमक वॉल से ब्लीडिंग भी हो सकता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स, कोई भी काम करने से पहले एक बार अच्छे से सोच लिया करें, ठंडे दिमाग से। हार्मोनल लोचा नहीं, ये मत सोचिए कि हार्मोनल लोचा हो गया और मैंने ऐसा कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, खुद पर कंट्रोल कीजिए। जो मास्टरबेशन के लिए आते हैं ना, इनको मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि खुद का दिमाग जो होते हैं ना, उसका दिमाग का सोचना बंद करो पहले। आप इसका सोचोगे जितना, उतना ही आप मास्टरबेट करते रहोगे, हिलाते रहोगे, इसलिए अच्छे से सोचो, अच्छा चीज़ें अपने दिमाग में लाओ, अच्छा किताब पढ़ो,
उससे क्या होगा, आपका माइंड जो है वो बहुत अच्छा रहेगा, सही चीज़ों में जाएगा, सही काम करो, ऑफिस का काम करो, गलत चीज़ों में मत जाओ, पॉर्न वीडियो मत देखो, क्योंकि पॉर्न वीडियो और रियल लाइफ एक नहीं है। पॉर्न वीडियो में जो दिखाया जाता है ना, वो रियल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं है। और अपने अपनों का ख्याल रखिए और हर चीज़ों से, गलत चीज़ों से सावधान रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, आपका राय क्या है वो बता दीजिए, इंतज़ार रहेगा आपका कमेंट का। और फिर मिलते हैं अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।